तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G 2023 टर्बो मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस फ़ोन का करेंगे चार्जिंग टेस्ट इसके ओरिजिनल चार्जर के साथ, जो हमारे फ़ोन में आया है बॉक्स के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। आपका अडैप्टर है जिससे हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो अडैप्टर है वो 33 वोल्ट का है। फिर ये जो है डेटा केबल है, जो हमारी ओरिजिनल डेटा केबल है जिससे हम कनेक्ट करके हमारे फ़ोन को करेंगे चार्ज। ये हमारे जो चार्जर है इससे कनेक्ट करके ये हमारा फ़ोन है जिसे हम चार्ज करने वाले हैं। और देख सकते हैं, ये अभी स्विच ऑफ है, 0% चार्ज है। इसके बाद फिर साइड में हमारा जो है प्लग है जिससे हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज होगा। तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, हमारी जो अडाप्टर है इसके अंदर जो है डेटा केबल की पिन है उसे लगा देते हैं। हमारा जो फ़ोन है वो 0% चार्ज है। 0 से लेकर 100% तक की आपको फुल वीडियो बना के हम बताएंगे कि हमारा 0 से 100% फ़ोन कितनी देर में चार्ज हो जाता है। तो ये जो मैंने डेटा केबल को खोल लिया है, अब जो है मैं इसको उसकी जो हमारी जो अडाप्टर है उसमें पिन को इसकी लगा दूंगा। अडाप्टर में डेटा केबल की जो पिन है वो मैंने लगा दी है टाइट से, आपको भी टाइट से लगा देना है। और इसको जो मैं प्लग में लगा देता हूँ, प्लग इन कर देता हूँ, पावर इसको सप्लाई कर दी है। अब जो है मुझे क्या करना है, इसको जो इसका जो बॉक्स है इसके अंदर इसको लगा देना है जिसमें मैंने इसको पावर सप्लाई कर दी है। और जो दूसरी पिन है वो मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट कर दूंगा, जो हमारी सी टाइप है, जो आप देख सकते हैं सी टाइप हमारा जो ये डेटा केबल है और ये जो फ़ोन है हमारा सी टाइप चार्जेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो पिन है वो मैं लगा देता हूँ। और पिन लगाने के बाद देख सकते हैं अभी जो हमारा फ़ोन है वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। थोड़ी देर में ही हमारा जो फ़ोन है वो पावर ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है और इसके अंदर अभी 5% भी बैटरी नहीं हुई। अभी आप देख सकते हैं पहला परसेंट इसके अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है। तो हमारा जो फ़ोन है उसे हम कर लेंगे ऑन और उसके बाद हम कर लेंगे इसका जो है चार्जिंग का टेस्ट। तो मैं मेरे फ़ोन को कर लेता हूँ स्विच ऑन। तो हमारा जो फ़ोन है वो हो चुका है ऑन और अब हम फटाफट इसका जो है चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एक ऐप रखा हुआ है जिसका नाम है आरतूतू बेंचमार्क। जो आरतूतू बेंचमार्क है इसके अंदर आपको चार्जिंग टेस्ट का भी मोड मिलता है। तो मैं उसको मोड को इनेबल कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं चार्जिंग टेस्ट के मोड पर मैंने कर दिया है क्लिक। क्लिक करते से आपसे कुछ टिप्स लेगा और आपको उस पर गॉट इट पर क्लिक कर देना और आपका जो चार्जिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कितने एमएच की बैटरी है आपकी, आपको इतना पावर सप्लाई मिल रहा है वो आपको एंड में दिखाएगा थोड़ी देर बाद। और हमारा जो फ़ोन है वो 2% से स्टार्ट हो गया है चार्ज होना और अभी एक भी मिनट नहीं हुए हैं। तो हम जो है इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा जो फ़ोन है वो कितनी देर में चार्ज होता है। तो हमारा जो फ़ोन है वो 30 मिनट में 36% हो चुका है चार्ज। तो अब हम देख लेते हैं कितना क्या होता है ये फ़ोन चार्ज। तो मेरा जो फ़ोन का ये कनेक्शन है ये थोड़ा सा कट गया था, तो मैंने जो है इसको फिर से स्टार्ट किया है। 38% तक हो गया था, अब हम 38% से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो गया 38% से। हम आखिरी में आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कितना क्या टाइम लगा था। हमारा जो फ़ोन है वो लगभग हो ही चुका है चार्ज। 38% से 99% हो चुका है, वो भी 75 मिनट लगे हैं उसे। और हमारा जो फ़ोन है 100% चार्ज हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 5000 mAh बैटरी, 4543 आपको जो पावर सप्लाई मिली, 76 मिनट में आपका जो फ़ोन है वो फुल चार्ज हुआ है 38 से 100%। तो पहले जो 38 मिनट्स लगे थे हमारे इस फ़ोन को 38% चार्ज होने में, फिर 76 मिनट्स लगे हैं 38 से 100% चार्ज होने में। तो टोटल हमारे फ़ोन को लग चुके हैं, आपको नीचे आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा,
आपको 109 मिनट्स लग चुके हैं, टोटल 109 मिनट, यानी कि एक घंटा आपको 40 मिनट से ज़्यादा लग चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है फ़ोन को चार्ज होने पर, 5000 mAh की बैटरी है, इतना टाइम तो कंज्यूम करेगा ही। और ये भी ये फास्ट चार्जर नहीं है, फ्लैश चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मली चार्जर है आपका, फ्लैश चार्जर। तो ये रही आपकी चार्जिंग टेस्ट की वीडियो कि आपका फ़ोन कितने समय में फुल चार्ज हो जाएगा। तो आपको मैंने बता ही दिया है 109 मिनट्स के अंदर आपका जो फ़ोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको इस फ़ोन के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसकी बैटरी जो है वो 1 से 1.5 दिन आराम से चलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।